धाम एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लाखों की मात्रा में खास तौर से सावन के महीने में या शिवरात्रि हो जाते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि उबड़ खाबड़ हो गया पत्थर, या फिर पत्थर गिर जाता है, भूस्खलन हो जाता है। तो इस साल, इस वित्तीय वर्ष 23-24 में हमने उसकी मरम्मती करवाने के लिए सरकार से, तो यहाँ पे नई रोड नहीं बन रही है, यहाँ पे साफ साफ बता दें मरम्मती हो रही है। जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ वहाँ उसमें सुधार किया जाएगा, क्योंकि रास्ता भी ख़राब है। और किस कारण वो एक्सीडेंट हुआ था इसके लिए तो जांच बैठी थी, तो जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसके बारे में बाद में बताया जा सकता है। काफ़ी गड्ढा था जिसमें तेज़ बारिश के कारण जल जमा हो जाता है, तो हम लोग ने मिट्टी भरी है, घास लगाई गई है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। तो किस समय हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि रोहतास जिले में गुप्ता धाम जो जगह है आज के समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और बाहर बाहर से श्रद्धालु जो है आते हैं यहाँ पर, और अभी खबरें चल रही हैं कि गुप्ता धाम जाने के लिए जो सड़क है उसको बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, पूरा क्या मामला है सर? अच्छा, गुप्ता धाम एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लाखों की मात्रा में खास तौर से सावन के महीने में या शिवरात्रि हो जाते हैं लोग, वाहन से भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। और ये रोड प्रीवियस DFO सर प्रद्युमन सर के द्वारा बनवाई गई थी और अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर इससे आवागमन और बढ़ गया है, काफ़ी लोगों को सुविधा मिली है इसमें। और किंतु लाख लोग जा रहे हैं तो एक रोड की कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी के से ज़्यादा लोग जा रहे थे, तो रोड अभी अलग अलग जगह पे हल्की सी खराब हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि ऊबड़ खाबड़ हो गया पत्थर, या फिर पत्थर गिर जाता है, भूस्खलन हो जाता है। तो इस साल, इस वित्तीय वर्ष 23-24 में हमने उसकी मरम्मती करवाने के लिए सरकार से राशि मांगी थी, जो कि स्वीकृत हो चुकी है। तो यहाँ पे नई रोड नहीं बन रही है, यहाँ पे साफ साफ बता दें मरम्मती हो रही है। जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ वहाँ उसमें सुधार किया जाएगा। सर, अभी हाल ही में देखा गया था शिवरात्रि के टाइम में जिस प्रकार से एक्सीडेंट सर वहाँ पे हुए थे उसी रास्ते पे सर। क्योंकि रास्ता भी ख़राब है, और किस कारण वो एक्सीडेंट हुआ था इसके लिए तो जांच बैठी थी, तो जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसके बारे में बाद में बताया जा सकता है। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि भी रोहतास जिला में सासाराम का जैसे नेहरू पार्क है, अभी पिछले कुछ दिनों से बंद है, बताया जा रहा है कि वन विभाग के द्वारा जो है उसको डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। तो सर, जब डेवलप उसको कर दिया जाएगा तो क्या क्या उसमें नए नए बदलाव दिखेंगे और कब तक जो नेहरू पार्क है सासाराम का वो खुल पाएगा? अच्छा, सासाराम में नेहरू पार्क में हम लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि उसमें काफ़ी गड्ढा था जिसमें तेज़ बारिश के कारण जल जमा हो जाता है, तो हम लोग ने मिट्टी भरी है, घास लगाई गई है, नए नए पौधे लगाए गए, लाइटनिंग की व्यवस्था दी गई है, टॉयलेट जो रिपेयर पहले बस यूज़ करने लायक नहीं था उसको अच्छा बनाया गया है, ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है, कैमरा सिक्योरिटी कैमरा लगाया गया है, इत्यादि काम है। और जल्द से जल्द कोशिश है कि हम सासाराम नगर वासियों को, सासाराम के और रोहतास जिला के जितने भी लोग हैं, नेहरू पार्क का आनंद उठा सकेंगे। आगे सर आपसे जानना चाहेंगे, कभी कुछ खबरें निकल कर आ रही थी जब बताया जा रहा था कि पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो लाइम जो पत्थर और लाइम स्टोन जो होता है वो सिर्फ रोहतास जिला के पहाड़ियों पर अभी तक पाया गया है, और रोहतास जिला का जो पहाड़ी है वो सेंचुरी के अंतर्गत आ जाता है, और उसके बाद कहा जा रहा था कि जब सेंचुरी का पार्ट होगा तो वहाँ पर खनन हो नहीं सकती या फिर कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं निकाला जा सकता है, तो उसके लिए खबरें चल रही थी कि कुछ ऐसा प्रावधान में उसमें चेंजिंग लाया जाएगा, उस एरिया को हटाया जाएगा जहाँ पर लाइम पत्थर मौजूद है रोहतास ज़िले में, क्या पूरा मामला क्या है सर? अच्छा, बिहार में अभी तक जितनी हमें जानकारी है कि जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन मिनरल बोलते हैं, वो कैमूर की पहाड़ियों पे मिलता है। तो एक दो जगह चिन्हित है जहाँ पे मिलता है, जैसे कि रोहतास रेंज में अकबरपुर के पास, सौदा, कुकमा, पिपराडी, रेहल, कुसमा, इन जगह मिला हुआ है। तो क्यों, चूँकि ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, तो बिहार सरकार का ही आदेश है कि चूना पत्थर की माइनिंग अगर संभवतः आगे भविष्य में की जाए, तो उसके लिए अभी हम लोगों द्वारा ये जो लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक जो चिन्हित हैं, ठीक है ना, उसको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर निकाला जा रहा है, इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। और एक बार जब बाहर निकाला जाएगा उसके बाद नियमानुसार जो भी सरकार का डिसीजन होगा कि उसमें लाइम माइनिंग करवानी है या नहीं, वो सरकार आगे नियमानुसार डिसीजन लेगी। तो अभी फिलहाल वो ब्लॉक को हम कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर निकाल रहे हैं। लाइम स्टोन वाला जो ब्लॉक है उसका बाहर कर दी, हाँ, चिन्हित ब्लॉक को हम बाहर निकाल रहे हैं।
शहीद DFO संजय सिंह के स्मृति में कहा यहाँ पर सासाराम में एक पार्क का निर्माण कराया जो कि वन विभाग के द्वारा ही कराया जा रहा है, तो सर कितना कुछ उस पर काम हुआ है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा आम लोगों के लिए? चंदन शहीद पहाड़ी पे नगर वन योजना के अंतर्गत संजय सिंह शहीद पार्क बनवाया जा रहा है और ये केंद्र से स्वीकृत योजना थी, तो केंद्र से जितनी भी राशि आई थी उसका कार्य वहाँ पर किया जा चुका है और अब क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एरिया है 22 हेक्टर का है, तो हमारा ये विचार है कि उसको हम लोग और अच्छे से डेवलप करेंगे ताकि हम उसको एक नाम जैसा हो कि एक शहर में अर्बन स्पेस की तरह रहे, अर्बन ग्रीन स्पेस की तरह वो जागृत रहे। तो उसके लिए इस वित्तीय वर्ष में एक काफ़ी अच्छी योजना बनाई जा रही है जो उस पहाड़ में काफ़ी सुंदरता लाएगी और जितनी भी आम पब्लिक लोग हैं उनको और भी काफ़ी सुविधा भी दी जाएगी, तो इसके लिए कार्य किया जा रहा है। सर जाते जाते अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि वन विभाग के द्वारा रोहतास जिला के डेवलपमेंट के लिए वन क्षेत्र में आम लोगों के लिए क्या क्या कुछ अगले प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोहतास वन प्रमंडल के अंदर या तो कराई जा रही हैं या तो कराई जाने की प्रक्रिया में और काफ़ी अभी विज़न में भी हैं। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी पानी की समस्या होती है पहाड़ वाले लोगों को और नीचे तलहटी वाले लोगों को भी, तो हम लोग गार्लैंड ट्रेंचिंग स्कीम देते हैं, तो 3 गार्लैंड ट्रेंचिंग हमारी भी बन रही है और संभवतः 23-24 में हम लोग और भी बनाएंगे। इसके बाद जो गांव वाले लोग हैं उनके पानी के लिए हमने केंद्र सरकार से पैसा मांगा था और वेलो वाटर व्हील बोलते हैं, तो वेलो वाटर व्हील भी खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ जितना भी SC और ST जितने भी समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार योजना देता है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो वो अभी हमने 23-24 में काफ़ी चीज़ें मांगी थी कि महुआ का प्रोसेसिंग यूनिट मांगा है हमने, एम्बुलेंस मांगी है और भी काफ़ी इत्यादि चीज़ें मांगी हैं, तो जैसे ही वो स्वीकृत होगी, ये विज़न में हमारा कि जैसे ही स्वीकृत होगी हम तुरंत उपलब्ध कराएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी को स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने हुई है कि पूरे बिहार में अभी तक जो चूना पत्थर है लाइम स्टोन जो है रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी पर है और चूंकि कैमूर पहाड़ी भी किस्म में कैमूर सेंचुरी के अंतर्गत आ चुका है तो वहाँ पर कुछ कार्य हो नहीं सकते हैं, तो उन सारे एरिया को सेलेक्ट किया गया है जहाँ पर लाइम स्टोन पाए जा रहे हैं और उनको कैमूर वन सेंचुरी से जो है उनको अलग किया जाएगा। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइफ फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धाम एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लाखों की मात्रा में खास तौर से सावन के महीने में या शिवरात्रि हो जाते हैं लोग, ठीक है, जैसे कि उबड़ खाबड़ हो गया पत्थर या फिर पत्थर गिर जाता है भूस्खलन हो जाता है, तो इस साल इस वित्तीय वर्ष 23-24 में हमने उसकी मरम्मती करवाने के लिए सरकार से, तो यहाँ पे नई रोड नहीं बन रही है, यहाँ पे साफ साफ बता दें मरम्मती हो रही है, जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ वहाँ उसमें सुधार किया जाएगा क्योंकि रास्ता भी ख़राब है और किस कारण वो एक्सीडेंट हुआ था इसके लिए तो जांच बैठी थी, तो जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसके बारे में बाद में बताया जा सकता है। काफ़ी गड्ढा था जिसमें तेज़ बारिश के कारण जल जमा हो जाता है, तो हम लोगों ने मिट्टी भरी है, घास लगाई गई है।